नमस्ते दोस्तों, इंडियन गनर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड रॉयल बंगाल आर्म्स गन शॉप में है और मेरे हाथ में है एक बहुत ही सुंदर भार्गव आर्म्स का स्टैलियन SX-100 सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन। ये शॉटगन पूरे डिज़ाइन, फील, बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जैसा है। इसका 22 इंच बैरल है, इसका कैपेसिटी 4+1 मतलब टोटल कैपेसिटी ऑफ 5 है। ये 12 बोर या 12 गेज शॉटगन है। आप देख सकते हैं वेंटिलेटर ड्रिप दिया गया है, बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इजीली मनूवरेबल। होम डिफेंस के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दूसरे एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं इसके। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैरल यूज़ किया गया है, साफ साफ लिखा गया यहाँ पे कि इन लोगों ने, भार्गव आर्म्स ने 4140 यूरोपियन स्टैंडर्ड का स्टील यूज़ किया है। जो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज पे एक फॉलो डालिएगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स में दिया गया है। और हमारे यूट्यूब चैनल पे लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन क्लिक कीजिए और ऑल सेलेक्ट कीजिए टू रिसीव नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोज़। भार्गव आर्म्स कंपनी एक बहुत ही पुराना और मशहूर भारतीय बंदूक मैन्युफैक्चरर है जो जम्मू में बेस्ड है। उनके दूसरे जो मॉडल्स है स्टैलियन लाइट साइड बाई साइड शॉटगन और ST-100 ओवर अंडर शॉटगन, दोनों का रिव्यू मैंने चैनल पे किया है। अगर आप दाएं तरफ पॉपअप पे क्लिक करेंगे स्क्रीन के ऊपर अभी, तो आपको ओवर अंडर शॉटगन का रिव्यू देखने को मिलेगा। आज मेरे सामने जो SX-100 है वो 22 इंच वेरियंट है। ये शॉटगन और दो बैरल लेंस में आता है, 24 इंच और 28 इंच, बट ये 22 इंच मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि ये सबसे कॉम्पैक्ट और इजीली मनूवरेबल है। अगर आपके पास आर्म्स लाइसेंस है तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कार्ड का फिर से क्लोजअप वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा और यहाँ पे रॉयल बंगाल आर्म्स का एड्रेस और फ़ोन नंबर भी ज़रूर दिखाऊंगा। चाहते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म काम करता है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, मतलब आपको हर बार पंप करना नहीं पड़ेगा। ट्रिगर पुल करेंगे जितना बार ऑटोमेटिकली साइकिल होता रहेगा हर राउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एक्शन है। ये देखिए यहाँ पे बिल्ड, एक बार सुनिए ध्यान से, ये देखिए ये लॉक हो गया यहाँ पे। अब मैं अगर बोल्ट रिलीज को दबाऊंगा तो आवाज सुनिए कितना स्मूथली एक्शन काम करता है। फिर अगर मैं ट्रिगर पुल करूंगा, देखिए कितना क्रिस्प ट्रिगर एक्शन है, बहुत ही सुंदर है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे मैनुअल सेफ्टी यहाँ पे काम करता है। इस पोजिशन में मतलब दाएं तरफ अगर बाहर है तो इसका मतलब ये सेफ कंडीशन में, ट्रिगर पुल करेंगे तो नहीं चलेगा। और आपको फायर में लाना है तो आपको इसको पुश करना पड़ेगा और ये बाएं तरफ से बाहर आ जाएगा। ये देखिए मैंने पुश किया, ये बाएं तरफ से बाहर आ गया और यहाँ पे एक लाल कलर का आपको लाइन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये मतलब रेडी टू फायर है। अगर आप ट्रिगर पुल अप करेंगे तो शॉटगन चला जाएगा। ट्रिगर पुल करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि चेंबर खाली है यहाँ पे, ठीक है। तो और अगर पुल करने के बाद आपको बोल्ट रिलीज़ करना है, आपको ये बटन दबाना पड़ेगा। ये बटन अगर आप दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत स्मूथली ये बंद हो जाता है। अब मैं अगर ट्रिगर पुल करूँगा, सुनिए ट्रिगर पुल का आवाज़, बहुत ही क्लीन क्रिस्प ट्रिगर पुल ब्रेक है। ऐसे शॉटगन चलता है। और फिर चलाने के बाद आप हमेशा चेक कीजिएगा आपका चेंबर एम्प्टी है कि नहीं, एक बार फिर आप बोल्ट रिलीज दबाइए, मैनुअल सेफ्टी को फिर से इस पोजिशन से पुश कीजिए और ये अब सेफ पोजीशन में आ गया, रेडी टू बी स्टोर्ड। ऑलवेज स्टोर आपका वेपन एक सेफ लॉक्ड स्टील के अलमीरा में। बस स्टॉप के पीछे वाले हिस्से में एक रबर रिकॉइल पैड दिया गया है जो शॉटगन का फेल्ट रिकॉइल कम करने में मदद करता है। बट स्टॉक एक पॉलीमर मटेरियल से बनाया गया है जो काफ़ी ड्यूरेबल है और ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं लगते। ग्रिप एरिया के ऊपर चेकरिंग दिया गया है टू इम्प्रूव ट्रैक्शन। फिर आप देख सकते हैं ट्रिगर गार्ड का कलर ब्लैक दिया गया है टू मैच विद द बॉडी, बट ट्रिगर का कलर एक स्टैंडर्ड मेटल लुक दिया गया है। फिर आपको वहाँ पे भार्गव आर्म्स कंपनी का लोगो दिखाई देगा, एक स्टैग, और फिर उनका स्टैलियन ब्रांड का एक प्रांसिंग हॉर्स लोगो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। फिर वहाँ पे नीचे भार्गव आर्म्स कंपनी लिखा गया है, आपका फोर एंड पे भी चेकरिंग दिया गया है, वहाँ पे ऊपर फिर से भार्गव आर्म्स कंपनी लिखा गया है। और इसका स्टैंड जो स्टील यूज़ किया गया है बैरल का, वो 4140 स्टील है ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड। फिर आप देख सकते हैं बैरल के सामने वाले हिस्से में वहाँ पे कॉपर फ्रंट बीट साइड दिया गया है और आप देख सकते हैं बैरल के अंदर वहाँ पे चोक भी लगाया गया है। तो चलिए अब हम शॉटगन का दूसरा साइड देखते हैं। आपको यहाँ सामने की तरफ एक लूप दिखाई देगा और फिर पीछे भी एक और लूप है टू अटैच अ स्लिंग, अगर आप इसको कैरी करना चाहते हैं आपके शोल्डर के ऊपर या ऑन योर बिहाइंड योर बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्वियसली दाएं तरफ भी टेक्सचरिंग दिया गया है ग्रिप एरिया में। और यहाँ पे देख सकते हैं स्टैलियन एक्स लिखा गया है, एक्स भार्गव आर्म्स का प्रीमियम लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है। उनका SX-100 सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन है और उसका PX-100 उनका प्रीमियम पंप एक्शन शॉटगन है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो मटेरियल यूज़ किया गया है, ये रबर टाइप मटेरियल, इस पर स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं लगते, तो काफ़ी ड्यूरेबल और अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं वेंटिलेटेड रिब्स भी दिया गया है बैरल के ऊपर जो रिड्यूस करता है ओवर हीटिंग ऑफ द बैरल, कम करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ टेस्टिंग मार्क्स भी दिया गया है, कानपुर से किया गया है इसका प्रूफ टेस्टिंग।
अगर आप इस शॉटगन में इंटरेस्टेड है और आपके पास एक आर्म्स लाइसेंस है जिसके ऊपर SBBL शॉटगन का परमिशन दिया गया है, तो आप दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके व्यूज़ बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।